जहां भी रामचरित मानस में लिखा गया है वहां नाम की महिमा लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि हमने नाम लिया एक बार भगवान का, और भगवान का एक बार नाम लेने से मेरा वैकुंठ हो गया। वो स्वामी जी लिखते हैं कि अगर वो नाम कहीं आपको मिल जाए तो जाल सुनाग सुन रहे कहे कदारा, अब उतर सिंधु पारा। नाम अगर आपको कहीं मिल जाए, नाम ब्रह्म पे राम पर ही महेश पर, वो नाम की महिमा है। राम एक तापस्त्री तारी नाम को नाम कहकर के वो स्वामी जी ने छिपा दिया उसको। जो नाम आपको ब्रह्म को स्वामी जी महाराज कहता है। तो रावण ने कहा कि भाई हमने राम का नाम ले लिया, एक बार मरते समय वैकुंठ हो गया। शंका की बात नहीं, वैकुंठ कोई मोक्ष नहीं होता है, स्वर्ग से ऊपर का दर्जा थोड़ा होता है। तो राजा दशरथ ने कहा कि अरे भाई मैं तो मरते समय पांच बार राम कहा था, मेरा वैकुंठ क्यों नहीं हुआ, मैं तो स्वर्ग में रह गया। गुरु ने कहा यह बात तो आपको राम से पूछना पड़ेगा। वही पूछने के लिए राजा दशरथ पहुंचते हैं लंका में, और वहां जाकर के दोनों आंखों में आंसू भर करके भगवान राम से पूछते हैं। ते ही अवसर दशरथ कह आए नैन विलोक का छाए। पूछा उन्होंने भगवान राम से कि हमने क्या गलती किया कि मैंने मरते समय पांच बार राम का नाम लिया और मुझे आपने स्वर्ग दिया, और रावण मरते समय एक बार नाम लिया तो सुबह कुछ क्या गलती हमने किया। राम कहो इसे राम से राम कहो उसे राम, कई बार हमने राम कहा। भगवान राम ने कहा पिताजी मेरा नाम आप क्या समझ कर लिए थे। उन्होंने कहा पुत्र, उन्होंने कहा पुत्र मोह में स्त्री मोह में सांसारिक वस्तुओं से आसक्त लगाकर उस मोह में मरने वाले का वैकुंठ नहीं होता है, आपने पुत्र समझकर मेरा नाम दिया था, रावण परमात्मा समझकर मेरा नाम दिया था, इसलिए उसे वैकुंठ। तो पुत्र मोह में मरने वाले का वैकुंठ नहीं होता, सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति लगाकर मरने वालों का वैकुंठ नहीं होता। और उन्होंने कहा पिताजी रावण के सामने रावण की लंका जल गई सोने की, सारी लंका नष्ट हो गई, पुत्र मर गया, भाई मर गया, आपने कहीं रामचरित मानस में रावण को रोते हुए देखा कि कहीं विलाप किया हो किसी के लिए। उसको नहीं रोया, उसको किसी का मोह ही नहीं था, उसे मोह नहीं था किसी का। उन्होंने कहा पिताजी उसे मोह व्याप्त नहीं हो पाया और वो रोया नहीं किसी के लिए, और मरते समय परमात्मा समझ कर मेरा नाम लिया इसलिए उसका वैकुंठ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है जो अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, अरे भाई गुरु महाराज के साधारण मनुष्य, परमात्मा भी तो इसी शरीर में आया था, कृष्ण भी इसी शरीर में आए थे, राम भी इसी शरीर में आए, मोहम्मद साहब भी इसी शरीर में आए, कबीर भी आए, सूर भी आए, तुलसी भी आए, आते तो सब इसी पंच भौतिक शरीर में है, लेकिन जिस शरीर में घट घट बसता साइया सूरी सेज में को बलिहारी वही सेज की जय घर भरगट, परमात्मा के अंश तो सबके अंदर है, लेकिन जिस घट में वह परमात्मा प्रकट हो जाता है उस सेज की बलिहारी वो प्रकट होता है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ऐसे गुरु की कृपा होती है, बिना गुरु की कृपा के कोई नहीं। कितने जुगों कल्पों तक लोग तपस्या करते थे अन्य जुगों में, उन्हें कोई सब भेदी गुरु और महात्मा नहीं मिलता। हमारा आपका सौभाग्य जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको मिले और गुरु के रूप में प्राप्त, तो हमको आपको गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। और इस दुनिया में कोई ऐसी चीज असंभव नहीं है जो गुरु नहीं दे सकता। किसी को मेरे कहने का मतलब अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो सिर्फ गुरु से ही हुआ है, बिना गुरु के किसी को कुछ नहीं मिला। गुरु की तो बहुत बड़ी महिमा होती, गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा है कि एक बार भारत ने पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु हमारा कल्याण क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, तुमने किसी को गुरु बनाया नहीं। तो भारत ने कहा
बना देते हैं, बताइए किसको बनाना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कल सुबह चले जाना और गंगा के तट पे जो मिल जाए सुबह सुबह उसे गुरु बना लेना। वो तो सब प्रभु की कृपा थी, नारद जी आए उन्हें एक मछुआरा मिल गया, उधर से जालू लिए आ रहा था, किसी प्रारब्ध कर्मों की वजह से वो मछुआरा हो गया। और ये पैर पर गिरे, उन्होंने कहा कि सीताराम को बच्चा, उन्होंने नामदान कर दिया। इन्हें बड़ी गलानी हुई कि ऐसा गुरु मिला कि अरे बाप उस बाप कहीं बताने लायक नहीं है, किसको हम बताएं कि हम इतने ज्ञानी हैं, हमारा गुरु इस टाइप का है। अहंकार हो गया। जब विष्णु लोक में विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने पूछा क्यों नारद गुरु बनाया, उन्होंने कहा हां बनाया तो लेकिन मन को गिराते हुए लेकिन लगा दिया गुरु। भगवान विष्णु ने साथ दिया, उन्होंने कहा गुरु और लेकिन दो शब्द तुमने कह दिया, गुरु ने कहा लेकिन होता है या तो तुम गुरु नहीं कहते या तो लेकिन नहीं कहते, गुरु ने तुमने कैसे लेकिन लगा दिया, तुमने तो गुरु शब्द को कलंकित कर दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 84 लाख चुनी में भरे। नारद इस श्राप को सुनकर आतंकित हो गए कि विष्णु भगवान ने इतना बड़ा श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि पिताजी हमें भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया कि 84 लाख चोरियों में भूलिए, बताइए हम कहां कहां घूमेंगे। उन्होंने बोला किसे श्राप क्यों दिया आपको, उन्होंने कहा श्राप तो इसलिए दिया कि हमने गुरु बनाया लेकिन उनके सामने कह दिया गुरु बनाया तो लेकिन, गुरु ने हमने लेकिन लगा दिया। ब्रह्मा जी बोले कि आप मेरे पास से चले जाओ, गुरु में लेकिन लगाकर वो मेरे पास आता है, मैं कुछ नहीं बता सकता। बांटते बांटते भगवान शंकर के पास चले गए। जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव से कहा इन्होंने कि हे प्रभु मुझे विष्णु ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा मैंने गुरु में लेकिन लगा दिया। भगवान विष्णु के पास से जब शंकर के पास गए और यह देखा इन्होंने बताया, यह सुन करके ब्रह्मांड कांप उठा और क्रोधित हो गए शिव। शिव ने बोला हे नारद तुम मेरे सामने से जल्द हट जा, नहीं तो मैं भी तुझे श्राप ही देने वाला हूं। गुरु का अपमान करके तू मेरे पास आता है, तुझे शर्म नहीं आती, गुरु में लेकिन लगाकर वो मेरे पास आया, जल्द जाए। उन्होंने कहा प्रभु कल्याण का कोई रास्ता बताइए, उन्होंने कहा आपने गुरु महाराज के पास जाओ और कोई नहीं बताओ। नारद फिर उसी नदी के तट पर अपने गुरु महाराज के पास आए और चरणों में गिर पड़े, अहंकार क्यों हो गया था। उन्होंने कहा गुरु महाराज ऐसा ऐसा श्राप शुरू ने दे दिया। तो गुरु महाराज उनके हंसे, अरे बोले वो ठीक हो जाएगा, हम सही कर देंगे। अरे बोले जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं कर सका, गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो भी हम ठीक कर देंगे। गुरु महाराज बोले चलो इसमें कोई बात नहीं है, श्राप दे दिए तो तुम तो ज्ञानी हो, 84 लाख जोली का नक्शा बनाना जानते हो। बोले हाँ गुरु महाराज। बोले बनाओ उसी बालू के रेत में नक्शा, बना दिया नारद। उन्होंने कहा सारा नक्शा तुम लेट कर मिटा दो, उस पार से उस पार जाओ, उस पार से उस पार जाओ, सब नक्शा मिट गया। बोले गुरु महाराज अरे बोले हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं है, किसी जोली में नहीं जाना, हमने सब खत्म कर दिया। नारद विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान बोले नारद तुम शरीर नहीं त्यागते हो, क्यों नहीं जाते 84 लाख जोली। उन्होंने कहा गुरु महाराज के आदेश से हो गया। बोले कैसे हो गया, मेरे श्राप को कौन खत्म कर सकता है इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा 84 लाख जोर का नक्शा बना दो, हमने बना दिया और उसी में इधर लोटा फेरा दिए। बोले खत्म हो गया। विष्णु भगवान हंस पड़े, बोले नारद अब तो तुम्हें पता लगा गुरु की महिमा कितनी होती है, गुरु परमात्मा से भी ताकत होता है, गुरु के पास जितनी शक्ति होती है वो परमात्मा से भी ज्यादा ताकत होता है। अब तो तुम्हें पता लग गया गुरु कितना ताकत होता है। एक बार मथुरा आश्रम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुना रहे थे। भाई देखिए हम लोग कोई प्रवचन करता नहीं है, प्रवचन सत्संग
तो गुरु महाराज कहते थे हमारे आगे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है हम आप सत्संग कर सके। हम आपको बैठकर एक साथ अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कही हुई वाणियों को दोहराएंगे। जैसे घर का कोई आदमी जब जाता है तो उसकी बातों को सोचकर वो विलाप करते हैं, तड़प पैदा करते हैं, विरह पैदा करते हैं, अब वही करना है वो आपको, और क्या कोई सत्संग प्रवचन थोड़ा है। स्वामी जी महाराज जब कहे वही याद करना है और उनके प्रति विरह प्रेम और उद्घाट। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार मथुरा आश्रम पर गए तो वहां सत्संग सुने। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में सुनाया कि बच्चों एक बार भगवान शिव घूमने निकले मृत्युक में, वो पार्वती जी माता के साथ आए, किसी गांव में गए तो देखे भगवान शिव का बड़ा बढ़िया मंदिर बना हुआ है। देवी ने कहा प्रभु बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है, आपका कोई भक्त ही लगता है, देखते हैं जरा उठते हैं। तब तक वो सेठ जिसका मंदिर था वो मिल गया। पार्वती जी ने उससे पूछा, उसने कहा कि हां मंदिर तो हमने ही बनवाया है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसका भोग विलास करने वाला इस जायदाद का कोई है नहीं, मंदिर तो मैंने ही बनवाया। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा हे महादेव आप इतने बड़े भक्त को एक पुत्र क्यों नहीं दे देते। तो पुराणों में एक चर्चा आती है कि भगवान शिव ऐसे हैं जो भाग्य को भी मेघ सकते हैं। जो तीन है कुमार तुम्हारी त्रिपुरारी, विधाता को मेघने का पावर भगवान शिव के पास है। लेकिन उन्होंने कहा देवी व्यवस्था बनाने वाला अगर व्यवस्था बिगाड़ता चलेगा तो ये बताओ व्यवस्था क्या दिन चलेगा। हम ही लोग व्यवस्था बनाते हैं कि ये प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियामार कर्म है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोग भोगेंगे। तो आप ये बताओ इसके प्रारब्ध में पुत्र नहीं है तो हम कहां चले गए, हम व्यवस्था को बिगाड़ेंगे थोड़ा ना। पार्वती जी ने कहा चलो भाई ठीक है मत बोलो। लोग चले गए, कुछ दिन बाद उसी रास्ते एक फकीर एक महात्मा आ गए। महात्मा जी ने बहुत सेवा किया सेठ ने, जब जाने लगे तो सेठ और सेठानी उनके चरण पर गिर के रोने लगे। बोले कि भाई सेठ जी क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा कि महाराज अब तो उम्र भी ज्यादा हो गया, कोई बच्चे नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा अच्छा बच्चे चाहते हो। अब बोले सरकार आपकी आदत तो काफी उम्र भी हो गई, अब क्या बच्चे चाहते हैं। सेठ जी ने बोला ये दो, महात्मा ने बोला फिर में एक दो तीन चार। सेठ जी ने बोला कि महाराज आप क्या कह रहे हैं। अरे बोले हमने चार कह दिया, चार बच्चे होंगे तेरे पास। एक कहा बोला नहीं, दो कहा तभी नहीं बोला, क्रमशः सेठ के चार बच्चे पैदा हो गए। बड़े हुए उस दिन बाद भगवान शिव उस रास्ते पार्वती जी जा रहे थे, बच्चों को खेलते हुए देखकर माता जी वहां प्रश्न करने लगी कि ये बच्चे किसके हैं। सेठ ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कैसे हुए। उन्होंने कहा एक फकीर आया था, हमने उसकी बड़ी सेवा किया तो उसने आशीर्वाद दे दिया चार बच्चे। तो उन्होंने कहा कि भाई माता जी ने पूछा हे महादेव आपने कहा इसके प्रारंभ में बच्चे नहीं है और संसार में वह कौन है जो इसे चार चार बच्चा दे सकता है। उन्होंने कहा देवी यह प्रश्न मत करो, वो बता रहा है सेठ की कोई संत आया था और जिसने आशीर्वाद दे दिया। संत ने किए ऐसे नहर करनी अजमी को धारकन चरणी ताको दे काटते जाई अतामई देत सुगंध वसाई। गुरु महाराज को जो जय गुरुदेव का के हंसी भी कर दिया वो भी गुरु महाराज के पास पहुंच गया, जो बुराई किया वो भी पहुंच गया। संतों की ऐसी करनी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का, कुल्हाड़ी चंदन को बार बार काटता है लेकिन चंदन अपनी महक और शीतलता उस कुल्हाड़ी देवी देता है। इस तरह से संत होते हैं। उन्होंने कहा हे देवी
संतों के पास ऐसा पावर होता है कि जब वो किसी को कुछ कह देते हैं तो ब्रह्मा स्पेशल पावर से उसको पूरा करते हैं। यह पावर सिर्फ संतों की रही गई है, मुझसे अधिक संत कर लेता। उन्होंने कहा हम लोगों के लेखनी से बहुत बड़ी संतों की लेखनी है। ऐसी पावर संतों महात्माओं फकीरों भूसों और पैगंबरों के पास होती है। ऐसे दर्जे के संत हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज थे। आपने देखा कि स्वामी जी महाराज ने जितनी भविष्यवाणी किया कोई गलत हुआ, सब सही हुआ। जो भविष्य के लिए किए हैं वो भी सही हो रहा है। तो ऐसे इन स्पिरिचुअल पावर, ऐसे महात्मा, ऐसे संत और फकीर इस पृथ्वी पर कभी कभी पैदा होते हैं, हमेशा नहीं होते। जिनके सौभाग्य होते हैं वो इनके दर्शन करते हैं, और जिनके परम सौभाग्य होते हैं वो इनसे नाम दान लेते हैं। सबको थोड़े थोड़े पैदा होता है। हम तो देखे तमाम लोग स्वामी जी महाराज के पास गए, और जब स्वामी जी महाराज नाम दान देते थे तो बगल वाले से पूछते थे कि भैया क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, मैं उनको सुनाइए नहीं देते, पता नहीं वो कैसे सुनते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चार चार पांच पांच बार स्वामी जी महाराज के पास गए और उनको नाम दाने नहीं समझ में आए, बोलते थे स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो बहुत शुभकर्म जब जीवात्मा करता है और परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब उसे महात्मा मिलते हैं, और उससे बड़ी कृपा तब होती है जब महात्मा की बात उसके समझ में आती है। तो आप लोग, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे गुरु को आपको मिले, और हमको आपको अपने गुरु के चरणों में प्रेम पैदा करना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक गुरु नहीं मिलता, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। प्रेम जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो प्रेम आपको हमने बताया महात्माओं के पास से मिलता है। लेकिन ये बताओ कि अगर किसी खेत में बीज आप छोड़ोगे और सिंचाई नहीं करोगे तो जमेगा नहीं जमेगा। तो प्रेम अगर आपके हृदय में आ जाए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उसको सुरक्षित रखिए, श्रद्धा रूप भेद सुहाई जो हरि कृपा है। अगर आपके हृदय में श्रद्धा रूपी रहू आ जाए